इसके काम चेक करें यार, मतलब मैं कल से कह रहा हूँ गाड़ी का शीशा गंदा है, इसने गाड़ी का शीशा नहीं धोया। बीपी ये बीपी के लिए नल के गेट रहा है, उसकी गाड़ी साफ करा रहा है। यार पार्किंग में हम पहुंच गए हैं, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है यहाँ पे। काफ़ी आवाम ने अभी अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं और बस ये निकल रहे हैं। कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे हैं, कुछ लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। ये मेन पैसेज है जी, पार्किंग के बाद आप इस पैसेज से गुजर के आगे जाते हैं गांव में। ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये सारे देख के वापस आ रहे हैं। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, यू शुड कम हियर। आपको उसको देखना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूँगा कि यार एक अच्छी चीज़ है, आपके मुल्क में एक डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन है, आपको आके उसको एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। सो जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कैलाश वैली में दो बड़ी वैलीज़ हैं और एक छोटी वैली है। एक छोटी है जिसका नाम है बरीर, और दो बड़ी हैं जिसमें से एक है बैम्बुरित जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, और दूसरी है रंबूर। अभी हम रंबूर में थे और रंबूर में हमने एक छोटा सा इनका जो सेशन होता है, जो ये प्रैक्टिस कर रहे थे या ये जो वैसे डांस वगैरह कर रहे थे, हमने वो एंजॉय किया। और इसके बाद अभी हम जा रहे हैं बैम्बुरित। बैम्बुरित में आज कोई सेशन नहीं है, लेकिन बैम्बुरित के अंदर हम आपको और काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे। अच्छा जी, ये वो फेमस पुल है कैलाश वैली का जो कि दोनों वैलीज़ को स्प्लिट करता है। यहाँ से राइट साइड पे 8 किलोमीटर पे रंबूर है और लेफ्ट साइड पे 12 किलोमीटर पे बैम्बुरित है। अभी यहाँ से हमें पता चला है कि आज का इवेंट जो है वो सिर्फ रंबूर में है, सो बैम्बुरित जाना जो है उसका मकसद नहीं है। सो अभी पिछली वीडियो में वो जो रियाज भाई हमारे मेज़बान थे, जहाँ पे हमने दिन में चाय पी थी और थोड़ा कुछ खाना पीना किया था, वो कह रहे थे कि यार मैं प्रियस पे जाता हूँ बैम्बुरित, तो हम उनकी बात मान नहीं रहे थे। मैंने कहा यार पता नहीं कैसी बातें करें, और ये देखें ना प्रियस जा रही है। छोटा सा इस तरफ, और इस लॉन का फ़ायदा ये है कि आप सुकून से यहाँ पे बैठे, हवा चल रही है, साथ से दरिया गुजर रहा है, और अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के आप खाना खाएं, लंच करें, उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करें। मज़ा ही मज़ा है ज़िंदगी का। यार बड़ी कोशिश की थी कि हमने आज हम इस भाई को कढ़ाई खिलाएंगे, लेकिन इसके नसीब में आज अभी तक कढ़ाई नहीं है, कोशिश करेंगे रात को खिलाएंगे। तो रात को शायद हमें कढ़ाई की कोई जगह मिल जाए। बड़ा अच्छा लॉन है बाहर, बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हैं, लेकिन वो कहता है यार मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है, मैं अकेला हूँ होटल पे, तो मैं आपको बार बार नीचे जाके कोई चीज़ सर्व नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि आप अंदर ही बैठें। और कढ़ाई बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो मेरे पास एक ही कुक है, उसके पास और भी बहुत चीज़ें हैं, तो बेहतर है आप जो पका हुआ है वही खा लें, मेहरबानी है। तो अभी हम ये दाल खाई है हमने, ये चिकन खाया है, ये पुलाव था, वहाँ पर भी वो दूसरी दाल थी लोबिया। भाई मेरा नाराज़ ही घर जाएगा आज, शाम को कढ़ाई खाएंगे। सईद साहब भी हमें मिले हैं यहाँ पे, हमारे एक पुराने दोस्त, टूर लेके आए हैं बहुत सारे बच्चों का,
इंजॉय कर रहे हैं, कल रात से यहीं पे हैं। अगला दिन भी इनका इधर ही गुजरेगा। बातों बातों में हम पहुंच गए कुम्हराट। दीप से हम चलते 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 कुम्हराट आ गए। अभी रात के ऑलमोस्ट 11 हो गए और हमें सच में तो नहीं पता था हमने कुम्हराट आना है, लेकिन अभी हम कुम्हराट पहुंच गए हैं और खाना शाना खाते हैं। अभी हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की, कोई बात करने की। सो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल सुबह आपको कुम्हराट दिखाएँगे। बाय बाय।